नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। देश में इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। कई दिनों से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब घर की रसोई का भी खर्च बढ़ गया है। अब आम आदमी को आटा चावल के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। देश के कई राज्यों में आटा चावल, रिफाइंड और मसाले समेत कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही लगातार महंगाई बढ़ रही है। युद्ध शुरू होने के साथ ही खाक तेल, खास तौर पर सूरजमुखी के तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसके बाद आटा, जौ, चावल, धनिया, जीरा और हल्दी की कीमतों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में प्रयोग होने वाले मसालों की कीमत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। बाजार में हल्दी के दामों में 10% की बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी ओर धनिया के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा जीरा का भाव 230 से 235 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। मसालों के अलावा सब्जियों की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर गर्मियों में बढ़ते तापमान के बीच नींबू की डिमांड भी काफी बढ़ गई है, जिस कारण नींबू कई जगहों पर 300 से 400 रुपए प्रति किलो के पार हो गया है। हाल ये है कि कई जगहों पर 10 से 15 रुपए में सिर्फ एक नींबू ही मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को माना जा रहा है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने के कारण तथा मंडियों में आवक घटने के कारण नींबू के भावों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।